चलिए रुक करते अगली खबर का। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पारिवारिक कार्यक्रम में हरिद्वार पहुंचे। डाम कोठी गंगा घाट पर उनके पुत्र दिवाकर धामी और प्रभाकर धामी का जनेऊ संस्कार कुमाऊनी परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी सहित पारिवारिक लोग भी शामिल हुए। पुष्कर सिंह धामी के पुत्रों का विधि विधान से जनेऊ संस्कार कराने वाले पंडित संजय भगत का कहना है कि डाम कोठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बच्चों का जनेऊ संस्कार किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के परिवार से उनकी माता पत्नी सहित बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और कुछ विधायक भी शामिल हुए। हमारे द्वारा पूरे विधि विधान से कुमाऊनी परंपरा के साथ उनका जनेऊ संस्कार संपन्न कराया गया, क्योंकि 24 संस्कारों में जनेऊ संस्कार काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद ही गायत्री मंत्र और वेद पाठन किया जाता है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। आज जो कार्यक्रम हुआ है हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी के बच्चों का जनेऊ संस्कार हुआ है। ये संस्कार हुआ है डाम कोठी नंबर 3 में। सम्मिलित उनके परिवार के सभी लोग थे, उनकी पत्नी, उनकी माताजी और बाहर से भी अन्य लोग थे, एक दो विधायक भी थे और आचार्य बालकृष्ण जी भी थे। तो पूरे विधि विधान से अपने पहाड़ी कुमाऊँ के रीति रिवाज से ये कार्य संपन्न हुआ।